कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है ओप्पो F21 Pro 4G। आज इस वीडियो में इस फ़ोन का वाटर टेस्ट करूंगा और देखूंगा ये फ़ोन वाटर रेजिस्टेंस है कि नहीं। ऐसे भी ओप्पो उसके ऑफिशियल साइट में लिख रखा है कि ये फ़ोन IPX4 वाटर रेजिस्टेंस है। तो चलो देखते हैं कितना अच्छा रेजिस्टेंस है, फ़ोन टिकता है कि नहीं वाटर टेस्ट के बाद। और इसका जो डिज़ाइन है ना वो खतरनाक है। इसका डिज़ाइन देखकर सच में मैं फिदा हो गया हूँ, ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन है। खैर मैं आप लोगों को कुछ टेस्ट करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑडियो टेस्ट करेंगे, साउंड टेस्ट करेंगे, स्पीकर टेस्ट करेंगे। स्पीकर जबरदस्त है। इसका जो स्पीकर है वो मुझे लगता है थोड़ा सा लाउड होना चाहिए था, खैर चलेगा। कैमरा ओपन करते हैं। कैमरा ओपन करने के बाद यहाँ पे एक बैक कैमरा सैंपल खींच लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक सेल्फी कैमरा सैंपल खींच लेंगे। और मैं आप लोगों को कैमरा सैंपल वगैरह दिखा दूँ। कैमरा सैंपल जबरदस्त है, कैमरा सैंपल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा सैंपल बढ़िया है, कैमरा सैंपल लेकर कोई भी तकलीफ नहीं होगा। चलो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर में भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। चलो यहाँ पे फेस अनलॉक ट्राई करते हैं। यहाँ पे फेस अनलॉक लॉक स्क्रीन थोड़ा सा आता है लेकिन जल्दी जल्दी ओपन हो जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, चार्जिंग टेस्ट, हेडफोन टेस्ट वगैरह मैं आप लोगों को वाटर टेस्ट के बाद दिखाऊंगा। अभी चलो यहां पे फोन को पलट देते हैं और इसके ऊपर हम लोग पानी को गिराएंगे। 1 2 3। और वाटर टेस्ट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है दोस्तों। और यहाँ पे मैं स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर दूंगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए, बबल्स वगैरह आ रहा है, मतलब फ़ोन के अंदर पानी जा रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग घर में ट्राई मत करना वरना आपके फ़ोन डैमेज हो सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप ये फ़ोन बाय करने के लिए जा रहे हो, यहाँ पर IPX4 रेटिंग है, तो आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि ये फ़ोन वाटर के अंदर टिक पाता है कि नहीं। उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग घर में ट्राई मत करना, अगर आपके फ़ोन डैमेज हो जाए तो बहुत पैसा बर्बाद हो सकता है। मैं खुद के ही रिस्क से ये वीडियो बना रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर सकते हो ताकि आगे मैं ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ। चलो फ़ोन को यहाँ पे हम लोग पलट देते हैं और यहाँ पे देख लीजिए, डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। पानी के अंदर फ़ोन काम नहीं करता है, कोई भी फ़ोन काम नहीं करता है, तो ये फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, लगभग 1 मिनट होता जा रहा है। 1 मिनट के बाद हम लोग पानी से फ़ोन को बाहर निकालेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई वगैरह कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो चुका है। चलो 1 मिनट हो चुका है, अच्छी तरीके से यहाँ पे सेक वगैरह कर लेंगे ताकि हेडफोन जैक के अंदर जो सारे पानी गया है ना वो सारे पानी अच्छी तरीके से बाहर आ जाए। तो चलो अच्छी तरीके से ड्राई वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कुछ डैमेज वगैरह हुआ कि नहीं। फेस अनलॉक जबरदस्त है, फेस अनलॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी ओपन हो रहा है। अभी चलो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को टेस्ट करते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी बढ़िया है, जबरदस्त काम कर रहा है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। साउंड टेस्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्पीकर कैसा है, स्पीकर सही है कि डैमेज हुआ है। स्पीकर सही काम कर रहा है, स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पीकर के बाद हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे हेडफोन जैक और देखेंगे हेडफोन में आवाज़ कितना ज़्यादा आ रहा है। तो चलो आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इसका जो हेडफोन जैक है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और हेडफोन में भी काफ़ी अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है। चलो यहाँ पे पिक्चर खींचते हैं, एक यहाँ पे एक पिक्चर खींच लेंगे और यहाँ पे एक बैक कैमरा सैंपल खींच लेंगे। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, कैमरा सैंपल इसका जबरदस्त है, कैमरा में देख लीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसका कैमरा काम कर रहा है। चलो अभी चार्जिंग टेस्ट करके देखते हैं कि चार्ज वगैरह होता है कि नहीं। यहाँ पर देख लीजिए चार्ज हो रहा है, तो चार्जिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फोन में जो IPX4 रेटिंग दिया है वो सच है, वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।